बस्मिलीम डियर स्टूडेंट्स वालेकुम वेलकम टू एम एस हाई स्कूल आज हम क्लास टू उर्दू मीडियम की साइंस पढ़ेंगे हमारा आज का लेक्चर नंबर सेवनटीन है हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर फ़ोर रोशनी कल हमने पढ़ा था कि रोशनी हमें दो जरियों से मिलती है यानी मसनू और कुदरती मसनू इंसान के बनाए हुए हैं जैसे मोमबत्ती बिजली के बल्ब लैंप टॉर्च वगैरह कुदरती ज़राए जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं जैसे सूरज चाँद और सितारे वगैरह और जब किसी चीज़ पर रोशनी पड़ती है तो हम उसको देख सकते हैं अंधेरे में हम चीज़ों को नहीं देख सकते और जो चीज़ बजात खुद रोशनी दे उसे रोशन शेय कहते हैं और जब हम रोशनी के दरमियान और किसी रोशनी के दरमियान ठोस चीज़ को रख दें तो रोशनी उसके पीछे नहीं जा सकती इस तरह उसके पीछे उसका साया बन जाता है आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर पाँच किसी चीज़ का साया कब बड़ा होता है सवाल नंबर पाँच है किसी चीज़ का साया कब बड़ा होता है इसका जवाब है जब कोई चीज़ रोशन चीज़ के करीब हो तो इसका साया बड़ा होता है जवाब है जब कोई चीज़ रोशन चीज़ के करीब हो तो इसका साया बड़ा होता है यानी किसी भी चीज़ का साया कब बड़ा होता है जब कोई चीज़ रोशन चीज़ के करीब हो यानी पहले हमने पढ़ा कि अगर ठोस चीज़ को रोशनी के रास्ते में रख दें तो रोशनी इसके पीछे नहीं पहुंचती, जिससे उस चीज़ का साया बन जाता है क्योंकि ठोस चीज़ में से रोशनी नहीं गुजर सकती और जब हम कोई चीज़ रोशन चीज़ के करीब रख देते हैं तो इसका साया बड़ा हो जाता है यानी जब हम किसी चीज़ को रोशनी के करीब रख देते हैं तो इसका साया क्या होता है बड़ा होता है सवाल नंबर छ है किसी चीज़ का साया कब छोटा होता है जवाब है जब कोई चीज़ रोशन चीज़ से दूर हो तो इसका साया छोटा होता है जब कोई चीज़ रोशन चीज़ से दूर हो तो इसका साया छोटा होता है इन सवालों को एक बार फिर से पढ़ते हैं सवाल नंबर पाँच है किसी चीज़ का साया कब बड़ा होता है जवाब है जब कोई चीज़ रोशन चीज़ के करीब हो तो इसका साया बड़ा होता है सवाल नंबर छः है किसी चीज़ का साया कब छोटा होता है इसका जवाब है जब कोई चीज़ रोशन चीज़ से दूर हो तो इसका छोटा होता है डियर स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स की रीडिंग की है आपने इन दोनों सवालों को अच्छी तरह से याद करना है और अपनी नोटबुक पर ज़बानी लिख कर चेक करना है हमारी वीडियोस को लाइक करें बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बसानी पहुंच सकें कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी ना ख़्याल रखिएगा الله يحفظك